एवरीवन, मैं हूँ रुचि और डू इट विथ रुचि में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ समोसे बनाने की रेसिपी। तो फिर आइए देख लेते हैं कैसे बनते हैं समोसे। समोसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 कप मैदा ली है। इसमें हम 2 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर अजवाइन डाली है, आप चाहें तो अजवाइन ना डालें। और इनको हम अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें 1/2 कप रिफाइंड ऑयल डालेंगे और हम रिफाइंड ऑयल डाल करके अच्छे से हाथों से रगड़ के हम मिला देंगे। इस तरीके से हम हथेली से रगड़ रगड़ के इसमें आटे में ऑयल मिला देंगे। हम एक लड्डू बना करके देखेंगे, अगर हमारा आटे का लड्डू बन जा रहा है तो समझ लीजिए कि इसमें जो हमारा ऑयल है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक टाइट डो तैयार कर लेंगे समोसे बनाने के लिए। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। मैंने यहाँ पर एक टाइट डो तैयार कर लिया है। अब इसको हम 20 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे। मैंने यहाँ पर 1/2 किलो उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को मैंने पहले कुकर में उबाल लिया था, फिर छील लिया है। अब इनको हम हाथों से तोड़ लेंगे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में। अब इनको हम फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पैन रख दिया है गैस पर। इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच जीरा डाल दिया है। बस जीरा हमारा भुन गया है तो मैंने यहाँ पर 4 हरी मिर्च हैं जो बारीक कट कर ली थी वो डाल दी हैं। और 1/4 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर हींग डाल दी है। 1 छोटी चम्मच सौंफ ली है मैंने। यहाँ पर सौंफ को दरदरा कूट लिया था। सौंफ डाल देंगे और हल्का सा इनको चला देंगे हम। 1 छोटी चम्मच काली मिर्च है, काली मिर्च को भी मैंने दरदरा कूट लिया था। अब हम इसमें आलू डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे आलूओं को। गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। हल्का सा हम चला देंगे आलूओं को। 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। एक छोटी चम्मच खटाई पाउडर डाल दिया है मैंने। 1 छोटी चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को आलूओं में हम अच्छे से मिला देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे आलूओं को हमें 8 से 10 मिनट तक भूनना है। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे आलूओं को और इसी तरह चलाते हुए हम इनको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच नमक डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसा आपको पसंद हो। बीच बीच में चलाते हुए हम इनको अच्छे से भून लेंगे। आलू हमारे भून चुके हैं, हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हमारा आटा भी तैयार है। अब हम इसको थोड़ा सा हाथों में लेकर के एक लोई बनाएंगे और इसको हम बेल लेंगे। अब इसको हम बीच से चाकू से कट कर लेंगे। इसके हम 2 पार्ट कर लेंगे। और अब मैंने एक कटोरी में पानी लिया है तो इसके हम चारों तरफ पानी लगा देंगे। और अब हम एक कोन बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से फोल्ड करके हम एक कोन तैयार कर लेंगे। इसको काफ़ी अच्छे से चिपका देंगे जिससे कि जब हम समोसा फ्राई करें तो ये खुले नहीं। और इस तरीके से एक कोन बना के अब यहाँ पर 1 चम्मच आलू लेंगे। जितना आलू अच्छे से इस कोन में आ जाए उतना हम आलू ले लेंगे और इसको हल्का सा हम प्रेस कर देंगे अंदर की तरफ। और इस तरीके से एक तरफ हम इसको ऐसे फोल्ड करके चिपका देंगे। इसको हम काफ़ी अच्छे से चिपका देंगे। बस हमारा समोसा बन करके तैयार है।
अब मैं आपको एक और समोसा बना करके दिखाती हूँ। पानी लगा दिया है मैंने चारों तरफ और एक फोल्ड करके इस तरीके से कोन बना लेंगे और इस कोन में हम आलू भर देंगे। समोसा हमारा बन गया है और इसी तरीके से हम अपने सारे समोसे बना लेंगे। कढ़ाई में हम ऑयल रख देंगे गरम होने के लिए। ऑयल हमारा गरम हो चुका है तो अब हम समोसे फ्राई कर लेंगे। समोसे फ्राई करने के लिए ऑयल हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं चाहिए, हल्का गरम होना चाहिए तभी हम समोसे फ्राई करेंगे। और इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसी तरीके से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। समोसे हमारे फ्राई हो गए हैं तो इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और जो हमारे बाकी बचे हुए समोसे हैं वो भी हम फ्राई कर लेंगे। बस समोसे फ्राई करने के लिए गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और जो तेल होगा हमारा उसको हम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखेंगे, हल्का गर्म होगा तभी हम अपने समोसे फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से मैंने अपने समोसे फ्राई कर लिए हैं, बहुत ही बढ़िया समोसे बन करके तैयार हुए हैं। Thanks for watching.